खासतौर पर मेरे शरीर से महुए की जो शराब होती है दोस्तों, उसकी महक आ रही है। उसके बारे में हमारे सोमेश भाई डिटेल्स में जानकारी देंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। 10 मशरूम के साथ एक अगर जहरीला मशरूम आ गया छोटा सा, तो दोस्तों पूरे खाने को जहर बना देता है। जगदलपुर बस्तर में अभी फोड़ा बहुत निकल रहा है, तो ये कई लोग निकालने आते हैं इस एरिया में, तो खैर नहीं है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जुआर जुआर, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़, जय वस्त्र। दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त रूपेश भागवतकर स्वागत करता हूँ इस नए व्लॉग एंड वीडियो पे। और दोस्तों हर बार की तरह हमारे सुपरस्टार सोमेश भैया मौजूद है हमारे साथ, और वो ड्राइव कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और मैं गाड़ी में बैठ कर आनंद ले रहा हूँ, गाड़ी का मज़ा ले रहा हूँ। और हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों, बहुत लंबे टूर पर जा रहे हैं, और पता नहीं 10-15 दिन में वापस आएंगे शायद। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग काम से जा रहे हैं जगदलपुर के आसपास, और हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी दिन हुए साथ में, हमने ब्लॉग नहीं बनाए, तो क्यों ना जब साथ में हम लोग घूम ही रहे हैं तो एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया जाए। और हम लोग सब अपने अपने कामों में इस तरह व्यस्त हैं दोस्तों कि अभी किसी भी नए वाटरफॉल की खोज में नहीं जा पा रहे, लेकिन जैसे ही हमें समय मिलता है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए नए नए वाटरफॉल और नए नए स्पॉट को ढूंढ कर लाएं। बस दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहें, जिस तरह आप हमेशा हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं और प्यार बरसाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी ये जो रूट है, हम जिस रूट पर जा रहे हैं, सरगीपाल रूट, और यहाँ से हम लोग जाएंगे नियार। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा, इस रोड का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि बरसात का सीज़न है, बारिश हो रही है, और क्या कहूँ दोस्तों, ठंडा ठंडा मौसम है। आप लोग अपने घर में पकोड़े बनाइए और आनंद उठाइए, और हम लोग इस रोड के सफ़र का आनंद उठाते हैं। तो सोमेश भी आप क्या बोलना चाहेंगे, दर्शकों को कुछ बता दीजिए। यही कि अभी बस्तर का मौसम बहुत ही सुहाना है, सावन का महीना है और बारिश तो होता ही है सावन के महीने में बस्तर में, और घूमने का मज़ा लीजिए, बहुत सारे वाटरफॉल घूमिए, और होगा तो हमारा भी वाटरफॉल वाला वीडियो लोग आने वाले ही है। और हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं, तो अब क्या बताऊँ, बिजी हैं थोड़ा हम लोग, तो रुपेश भैया कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए हम लोग को, और कॉन्फिडेंस आता है वीडियो बनाने में। हाँ तो दोस्तों अपना जो प्यार सपोर्ट जिस तरह आप लोग बनाए रखते हैं उसी तरह बनाए रखें, और जो चैनल पे नए हैं दोस्तों वो हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम रूपेश भागवतकर बस्तर टूर, और हमारे सोमेश भैया का नाम सोमेश सिंह ठाकुर चैनल का नाम है। तो हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जिस तरह के वीडियोज़ डालते हैं उस तरह के वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचते रहें, और आप लोग उन वीडियो का आनंद उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हो सके तो मैं रोड ट्रिप दिखाने की कोशिश करूँगा। बारिश हो रही है लगातार 2-3 दिनों से, रिमझिम रिमझिम बारिश, तो इसका आनंद उठा रहे हैं। और अभी जितने भी कृषक हैं वो खेती बाड़ी में भिड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि बीच में लगातार बारिश की आशा थी लोगों को, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, इससे कई तरह की समस्याएँ हो रही थी। तो दोस्तों अब अच्छा लग रहा है जब बारिश हो रही है और लोग खेती किसानी पे जुट चुके हैं। तो दोस्तों हमारा जो भारत है, कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ को आप लोग धान के कटोरे के नाम से जानते हैं, और अगर बारिश नहीं होगी तो दोस्तों फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो जानते हैं कितनी प्रकार की समस्या होती है। और हम लोग जाने वाले हैं अभी सरगीपाल, हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों अगर इस तरह की बारिश में जब हम घूमने निकलते हैं तो बचपने की जो यादें हैं दोस्तों ताज़ा हो जाती हैं। और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो गाड़ी के वाइपर को आप लोग देख सकते हैं ऑन है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को रोड को देखने में, लेकिन फिलहाल तो ड्राइवर साहब हैं हमारे सोमेश भैया, वो देखेंगे, और आप लोग आनंद उठाइए सड़क का। काफ़ी हरियाली है दोस्तों, जब बारिश होती है तो एक तरह से चमक सी आ जाती है, रौनक सी आ जाती है इन पेड़ पौधों में, क्योंकि अगर हम लोग कितने भी पानी डालें, नॉर्मली जो पानी होता है उसे उन पेड़ पौधों में वो चमक नहीं नज़र आती, लेकिन जब बारिश होती है तो दोस्तों पेड़ पौधे की जो सुंदरता है, जो हरियाली है, वो देखते ही बनती है। और आसपास
लगभग लगभग पानी तालाबों में भरा भरा सा नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए, और गाड़ी के अंदर से कैमरा उस चीज़ को क्या कहूँ दोस्तों कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बारिश की जो बूंदें हैं टपक रही हैं, पता नहीं आप लोग कैमरे में देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ऐसी अगर नंगी आंखों से देखें तो कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस ओर आप लोग देख पा रहे होंगे बारिश के कारण खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है, और रोपा का कार्य कर रही हैं महिलाएं। सामने झाड़ियों के कारण शायद आप लोग ना देख पाएं, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखिए दोस्तों बहुत दूर निकल गई है, लेकिन देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग साइट का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस रूट पे दोस्तों हम लोग आते रहते हैं, और सामने में अगर बात करें तो यहाँ पे ये माड़िया पखना है। तो ये देखिए, ये देखिए, तो काफ़ी आस्था है लोगों की, वहाँ पे आते हैं दर्शन होते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पे विशेष पूजा होती है, तो अगर आप लोग कभी आना चाहें तो यहाँ पे माता के दर्शन हेतु आ सकते हैं। तो सामने से आप लोग देख रहे होंगे गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये चौक है दोस्तों नियानार का, और हम लोग पहुँच चुके हैं नियानार में। तो दोस्तों क्या बताएं, बहुत बड़ा खतरनाक हादसा हो गया हमारे साथ। अभी हम लोग नियानार से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमें अरविंद भाई मिले थे, ब्लॉगर हैं। तो लेकिन उसी जगह में एक भाई साहब मिले थे, और उन्होंने इतना प्यार इतना मोहब्बत दिखाया ना कि अब क्या बताऊं दोस्तों, ऐसा लग रहा पूरा हमारे खासतौर पर मेरे शरीर से महुए की जो शराब होती है दोस्तों उसकी महक आ रही है। उसके बारे में हमारे सोमेश भाई डिटेल्स में जानकारी देंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। तो क्या है, वहाँ पे एक सज्जन मिले थे, और रुपेश भैया से जब पता लगा यूट्यूबर है तो वो फिर और भैया लिपट लिपट के आप अपने हो और वो पूरा ड्रिंक किए हुए थे, पूरा स्मेल आ रहा था। मैं तो थोड़ा दूर हो गया, रुपेश भैया पकड़ में आ गए थे, और पकड़ के ऐसे भाईचारा ज़्यादा हो गया मोहब्बत। तो दोस्तों क्या बताऊँ, वहाँ से निकलने के बाद तो मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं घर जाऊँगा और घर में जाने के बाद अगर कहीं मेरे बॉडी से ना शराब की स्मेल ना आए, क्योंकि वो भाई साहब इतने ज़्यादा नशे में थे, उनके हाथ से, उनके शरीर से, उनके मुंह से, हर जगह से दारू का ही स्मेल आ रहा था। महुआ जो देसी दारू होता हमारे बस्तर क्षेत्र महुआ का, तो इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा था, और इतना बुरा फंसे ना हम लोग, और वो भाई साहब हमको छोड़ने को तैयार नहीं, फ़ोन नंबर ले रहे थे, और उसके बाद फिर गले लगा रहे थे, अपने क्षेत्र का काम बता रहे थे, जगदलपुर के बड़े बड़े जो व्यापारी हैं और नेता हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो अब दिक्कत ये हो गई कि कैसे उनसे पीछा छूटे। तो हम लोग जैसे ही हमें मौका मिला वहाँ से हम लोग निकले और भाग के दोस्तों अब हम लोग आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं जगदलपुर। तो दोस्तों ऐसा ऐसा होता है, अब क्या करें, एक तरह से अब हैंडल करना पड़ता है। हर तरह के लोग मिलते हैं, चाहे कोई नशे में रहे या फिर नॉर्मल रहे, तो हमें हर तरह के लोगों से बात करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, किसी को नाराज़ नहीं कर सकते। तो वो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भी एक तरह से दोस्तों यादगार पल है, और उस चीज़ को हमने इसलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि हम लोग वो सब दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने वो वीडियो नहीं बनाया उन सज्जन का। तो और एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप अगर सरगीपाल परपा एरिया में बास्ता निकालने आ रहे हैं तो सावधान रहिएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट वाले यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग आ रहे थे, एक गाड़ी स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी जो फॉरेस्ट ऑफिस की थी,
तो ये बता दूं मैं, अपना जगदलपुर बस्तर में अभी घोड़ा बहुत निकल रहा है, तो ये कई लोग यहाँ निकालने आते हैं इस एरिया में, तो खैर नहीं है। ये दोस्तों होता क्या है कि जब बास्ता, जिसे बॉम्बे सूट्स के नाम से आप लोग जानते होंगे, उसे जब तोड़ते हैं तो दोस्तों बस्तर में खासतौर पे यहाँ पे बास्ता जो है बॉम्बे सूट्स उसका इतना चलन है कि जैसे ही बारिश होती है, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो चाहे बरसात हो, तो बारिश जैसे ही होती है उसके बाद जो लोग हैं ग्रामीण हैं आसपास के लोग जिन्हें बास्ता की जानकारी, वो निकल जाते हैं जंगलों की और इतनी बहुतायत में उस बांस के कोपलों को तोड़ते हैं कि हजारों या कहें दोस्तों लाखों बांस पनपने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और लोग उन्हें खा जाते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा ये अभियान हर साल चलाया जाता है और उन लोगों को पकड़ा जाता है जो जंगलों में जाके बास्ता तोड़ते हैं या फिर जो बिक्री के लिए मार्केट में लाते हैं, उन्हें जगह जगह रोक कर उन बास्ताओं को नदी नालों में बहा दिया जाता है और कई बार कार्रवाई भी की जाती है उनके ऊपर। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। और बास्ता मतलब करिल भी होता है, जो लोग बास्ता नहीं जानते वो करिल के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ में उसे करिल कहते हैं। और बास्ता जो है हमारा लोकल वर्ड है, जो लैंग्वेज है हमारा हल्बी बोली में, आप बास्ता कहते हैं उसे बस्तर में। तो सावधान रहिए दोस्तों, और जंगलों में जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जब लोग जंगलों में जा रहे हैं और मशरूम, खासतौर पर मशरूम तोड़ कर ले आते हैं और उसे पका कर दोस्तों खाते हैं और बीमार हो जाते हैं, कई बार उल्टी दस्त, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। तो इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जो बोड़ा फूटू जो कहते हैं मशरूम जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो वो भी मशरूम निकालने लगते हैं, तो 10 मशरूम के साथ एक अगर जहरीला मशरूम आ गया छोटा सा, तो दोस्तों पूरे खाने को जहर बना देता है और उससे कई लोगों की जान पे बनाती है। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। तो दोस्तों सोमेश भैया के साथ हम लोग जिस काम से आए थे वो काम हो चुका है और हम लोग अब मियांनार से निकल चुके हैं और वापस हम लोग जगदलपुर जा रहे हैं। तो दोस्तों यह था एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों अभी बरसात का सीज़न है तो जो नए नए वाटरफॉल्स निकलते हैं हमारे बस्तर क्षेत्र में, जब बारिश होती है तो दोस्तों जिस जगह पे बिल्कुल सूखा एक क्या कहें दोस्तों पठार जैसा क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन जब बारिश होती है तो उन्हीं क्षेत्रों में छोटे छोटे वाटरफॉल निकलते हैं। और जो हमारे बस्तर क्षेत्र से हैं तो उन लोगों से निवेदन है कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अगर उनके क्षेत्र में अगर कोई छोटा वाटरफॉल बनता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों के गांव में आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे और उस जगह का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आप लोगों से आज्ञा। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर दोस्तों।